आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना, हमारे वीर जवान, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की। इतनी ऊंचाइयों पर विजय पाना मात्र गगनचुंबी चोटियों को फतह करना नहीं है, ये देश की समूची शक्ति को दर्शाता है, हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रतीक है। युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते वो अजर अमर होते हैं। सैनिक आज के साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारी आने वाली कल सुरक्षित रहे उस लिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है। सैनिक जिंदगी और मौत में भेद नहीं, उनके लिए तो कर्तव्य ही सब कुछ होता है। कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के सामर्थ्य और संयम की जीत थी। कारगिल में विजय भारत की मर्यादा और अनुशासन की जीत थी। कारगिल में विजय प्रत्येक देशवासी की उम्मीदों और कर्तव्य परायणता की जीत थी। साथियों, कारगिल युद्ध के समय अटल जी ने लाल किले से जो कहा था वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है। अटल जी ने तब देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो कि तुम्हें क्या करना है तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी। गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि कारगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। अपना रक्त बहाकर जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर किया, उन शहीदों को, उनको जन्म देने वाली वीर माताओं को भी मैं नमन करता हूं।